नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील, एसआर एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हमारा प्रॉफिट लॉस का जो नेक्स्ट टाइप है, टाइप टू स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो टाइप फर्स्ट की वीडियो को देखेंगे कि मैंने लाभ हानि को टाइप फर्स्ट में किस तरीके से समझाया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करवाए थे। आज टाइप टू क्वेश्चन के बारे में बात करें, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, और नेक्स्ट क्लास में टाइप थ्री। तो मैं धीरे धीरे टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री सारे क्वेश्चन कराता जाऊंगा जो आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफली क्वेश्चन आते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और जो नहीं भी बनते हैं एक दो टाइप वो भी करवा दूंगा, ताकि आपके डिफिकल्टी लेवल जो आ रहा है, आपका अधीनस्थ बोर्ड जो परीक्षा लेता है उसके डिफिकल्टी लेवल को भी पार कर जाएंगे हम। और आशा करता हूं कि 100% आपके यही क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं, और आपके 100% या 100% आप स्कोर करने वाले हो। तो देखते रहिए दोस्तों मेरी क्लास को, और क्लास को देखने के साथ साथ आप इसे शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। मैं पूरा सिलेबस इसी तरीके से करवाने वाला हूँ, बिना ट्रिक और बिना फॉर्मूले के। इसका मतलब आपको कुछ याद नहीं करना, बस क्वेश्चन को समझ के करना है कि किस तरीके से क्वेश्चन दिया है, और उस क्वेश्चन को क्या अप्रोच रहेगी सॉल्व करने के लिए, क्या हमको दिया गया है और क्या हमसे पूछा गया है, इसी आधार पर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। यह रहा आपका आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 8400 रुपये में बेचने पर 16.2/3% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो, इस सवाल को सॉल्व करने की क्या अप्रोच रहेगी, आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, पहले क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा सा समय लूंगा। आशा करता हूँ कि आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे ना, आप आराम से 10 सेकंड, 15 सेकंड या 20 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। तो इस क्वेश्चन को समझें किस तरीके से आया, 16.2/3 क्या होता है, 1/6% होता है, किस तरीके से हम उन क्वेश्चन को मानते हैं, किस तरीके से हम वैल्यू इशू करते हैं, ध्यान से बताऊंगा किस तरीके से, और ये किस तरीके से जो फॉर्मूला है समझने का तरीका बनाए ना, किस तरीके से बनाया, किस बेसिक से ये बनकर आया, इसको आप ध्यान से देखोगे। तो मैं 16.2/3% है, पहले इसको क्या लिख सकता हूँ, फ्रैक्शन में भिन्न में बदल लेता हूँ। मैंने आपको ये प्रतिशत ही क्लास में भी सिखाया था कि 16.2/3% को भिन्न में कैसे बदलना है। दो तरीके हैं, एक तो आप सीधा याद कर लो, 1/6 होता है, 1/6 होता है, कैसे निकलते हैं, 1/6 को प्रतिशत बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1/6 गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो यहाँ से क्या आता है दोस्तों, 16 6 96, 16.2/3 आता है। या फिर ऐसा कर सकते हो कि प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए मैं क्या करते हो, प्रतिशत की जगह क्या जाता है, 100, यानी 16 3 48, 50/3 और गुना 1/ क्या हो जाएगा, 100। आप देखोगे 50 से 100 दो बार क्या आ गया, 1/6। अब मुझे लगता है कि आपने ये वाला तरीका आपको हर किसी को आता होगा कि 16.2/3 को भिन्न में क्या बदल दिया, 1/6, 1/6 यहाँ तक आ गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से अब क्या हो रहा है, 16.2/3 यानी 1/6 का लाभ हो रहा है, यानी कि ये क्या आ रहा है दोस्तों, लाभ, ये क्या आ रहा है, लाभ। और लाभ को आप ध्यान से देखोगे, जब हमारा क्रय मूल्य कितना था, 6, और 6 पर क्या हुआ, 1 का लाभ। अब देखो, मैं मान लेता हूँ क्रय मूल्य, मैंने क्या माना, क्रय मूल्य मान लेता हूँ 6। अब 6 पर 1/6 का क्या हो रहा है, लाभ, 6 का 1/6 का क्या हो रहा है, लाभ, 6 से 6 कैंसिल यानी कि 1, तो लाभ कितने का हो गया दोस्तों, 1 का। अब लाभ कितने का हो गया दोस्तों, 1 का। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना होगा, लाभ कब होता है, लाभ जब होता है जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है क्रय मूल्य से। इसका मतलब विक्रय मूल्य निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना आ गया, यहाँ हमारे पास 7 आ गया, यहाँ तक हर किसी को समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो एक बार देखो, 16.2/3 को मैंने भिन्न में बदला, क्या आ गया, 1/6। अब देखो 1/6 का क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है। अब मैंने क्या माना, ये क्रय मूल्य को 6 मान लिया, क्योंकि इसका 1/6 निकालना आसान है, क्रय मूल्य 6 है तो इसका 1/6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, यानी कि लाभ कितने का हुआ, 1, 6 पर 1 का लाभ, ये ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब ही क्या है, 6 का लाभ, 1 का लाभ हुआ है 6 पर, 1 का लाभ हुआ है 6 पर, तो 6 पर 1 का लाभ हो गया। तो यहां से मैं विक्रय मूल्य निकाल लूंगा, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ, और लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। वहां से आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों, 7। अब देखो विक्रय मूल्य हमारा यहाँ पर कितना आया, 7। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, यदि वस्तु को 84 रुपये में बेचने पर मतलब एसपी मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 8400। यहां से 7 की वैल्यू कितनी दे रखी दोस्तों, 8400। अब देखो 7 की वैल्यू हमें आसानी से कितनी मिल गई है, 8400 रुपये 7 की वैल्यू है, हमारे यहाँ विक्रय मूल्य 7 आ रहा है और क्वेश्चन में हमें दे रखा है 8400 रुपये, तो 7 किसके बराबर हो गया, 8400। निकालना क्या है, क्रय मूल्य, क्वेश्चन में क्रय मूल्य कितना, 6। 7 की वैल्यू हमें पता है 8400 है, तो 6 की वैल्यू निकाल लोगे आसानी से। तो 6 की वैल्यू निकालने क्या करेंगे, पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 8400/7 गुना 6, 1200 और 7200। इसको सॉल्व करोगे तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 7200 रुपये, और यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल इजी तरीके से, इजी कंसेप्ट से मैं सॉल्व कर दिया है, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को देख लें, मैं
मैंने किस तरीके से सॉल्व किया, यह बिल्कुल आपको समझा दिया है। और दोस्तों मैं 100% कहता हूँ अगला सवाल मैं इसी तरीके के देने वाला हूँ, और आप सभी 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 आंसर निकालोगे, वो भी 15-20 सेकंड में, बिल्कुल बिना एरर के। इसमें कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं। सिंपल मैंने कंसेप्ट लाभ विक्रमूल और क्रैमूल्य जो ये टर्म्स हैं इनको मैं पहले समझा चुका हूँ, इनका मतलब क्या होता है। क्रैमूल्य मतलब खरीदी गई, खरीदना वस्तु को, विक्रमूल वस्तु को बेचना। लाभ क्या हुआ, जितना आपने बचत कर ली, जितना आपने कमा लिया, वही क्या होगा आपका प्रॉफिट होगा, आपका लाभ होगा। इस तरीके से आप सवालों को करोगे तो 100% आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे, गलत होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। चलो दोस्तों बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 9800 रुपये में बेचने पर 33 सही 1/3 की प्रतिशती क्या होती है, हानि होती है, तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। उसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल समझेंगे। इसको भी थोड़ा सा मैं डीपली बता रहा हूँ किस तरीके से आंसर निकलने वाला है। 100% बोलता हूँ कि आगे आने वाले क्वेश्चन आप 20 या 30 सेकंड में कर दोगे। देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 को भिन्न में बदलेंगे। भिन्न प्रतिशत को हटाने के लिए मैंने आपको बताया था, इसको भिन्न निकाल लो, कितना होगा दोस्तों 99 या 100/3। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/100। प्रतिशत को हटाओगे तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 1/100 का। 100 से 100 कैंसिल, क्या हो गया 1/3। और आपको इजीली पता है 1/3 क्या हो जाएगा, इसका 33 से 1/3 का भिन्न में मान हो जाएगा। कितना हो जाएगा भिन्न में मान, प्रतिशत को भिन्न में लिया है मैं, 33 से 1/3 कितना हो गया 1/3% भिन्न। इसको सॉल्व भी करेंगे तो कितना रहा, 99 प्लस 1/3 तो कितना हो गया 100/3। प्रतिशत प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या जाएगा 1/100, 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया 3। इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। वैसे आपको ये वैल्यू याद हो गई होंगी 100%, इनको आपको निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतनी बार आप निकाल चुके होंगे प्रतिशत में। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, ये क्या हुआ है हानि। और मैंने बोला था दोस्तों लाभ और हानि, लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। हानि कब हो जाएगी, जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से, तो क्या हो गई हानि। और लाभ क्या हो जाएगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से, मतलब कि कम में खरीदा और ज्यादा में बेच दिया तो क्या हो गया लाभ। और हानि क्या हो गई कि आपने कम में खरीद ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया, मतलब 100 रुपये में खरीदा और 80 रुपये में बेच दिया, तो आपको हानि हो गई 20 रुपये की। अब देखो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मान लेते हैं इसमें 3, क्रय मूल्य 3 मान लेते हैं क्योंकि हानि क्या दे रखी है 1/3, तो क्रय मूल्य 3 है, हानि 1/3 की, तो 3 से 3 गया तो हानि कितने की हुई दोस्तों 1 की। यानी क्रय मूल्य जब 3 था हानि 1 की हो गई, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, हानि हुई है, तो क्रय मूल्य से हमेशा विक्रय मूल्य कम होगा, क्रय मूल्य से हमेशा विक्रय मूल्य कम होगा। 3 पर हानि 1 की हुई है तो कितने में बेचा होगा उसने, 2 में बेचा होगा। यहां तक सबको इजी बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जब क्रय मूल्य 3 है तो विक्रय मूल्य 2 है, तो हानि हमें 1 की हुई है, हानि किस पर होती है हमेशा क्रय मूल्य पर, तो हानि कितनी हो गई 1/3 की। यानी हानि प्रतिशत क्या हो गया 1/3%। हानि प्रतिशत कैसे निकालते हो आप, हानि प्रतिशत दोस्तों कैसे निकालते हो, हानि बटे क्रय मूल्य मतलब सीपी इंटू क्या होता है 100। ठीक है, यहीं से मैंने बिल्कुल इसी तरीके से आपको इक्वेशन भी सेटिस्फाई करा दी। अब देखो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य दे रखा है हमारे हिसाब से, विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 2, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 9800, यानी कि 2 किसके बराबर हो गया दोस्तों 9800 के। हमें क्या निकालना है, 3 की वैल्यू निकालनी है, यही क्रय मूल्य है, तो 3 कितना हो जाएगा 9800/2 × 3, ये कितना होगा 2 × 4 = 18, 0, यहां से निकाल के 0 0, और कितना होगा दोस्तों 14700, यही क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। बिल्कुल इसी आसानी से आप हर सवाल को कर पाओगे, बिल्कुल बिना मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया है, बस आपको बेसिक कंसेप्ट से कहा है कि क्या लाभ है और क्या हानि है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप बिल्कुल सॉल्व करके बताओगे, मुझे 10 सेकंड का समय दूंगा आपके लिए, क्या आप तैयार है क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 5600 रुपये में बेचने पर 40% का क्या हो जाता है, लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। 10 सेकंड का समय है आपके लिए, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर दीजिए। जिन जिन बच्चों को वो दोनों सवाल समझ में आए, इसको बिल्कुल आसानी से 10 सेकंड में कर सकता है। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्लास समझ में आ रही है, और आप चाहते हैं कि पटवारी की इसी तरह क्लास मिलती रहे, तो अभी के अभी क्लास को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सअप फेसबुक सारे ग्रुप में भेज दें कि इस तरीके की पटवारी की क्लास यहाँ पर चालू हो गई है। तो दोस्तों हमारा सिलेबस जल्दी पूरा हो जाएगा, सिलेबस पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम इसे रिवीजन क्लास के तौर पर चलाएंगे। आपको मैं लगभग लगभग हर टॉपिक के 300-400 क्वेश्चन खुद यहीं पे करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इस बात की बिल्कुल टेंशन ना लें कि हम प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। देखो इस सवाल को 40% देखा है, तो 40% दोस्तों क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 20% कितना होता है दोस्तों 1/5, तो 40% कितना हो गया 2/5, 2/5 का क्या हो रहा है लाभ। क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों 5, लाभ कितना 2, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया 7। अब देखो विक्रय मूल्य हमें दे कितना रखा है 5600, यानी 7 किसके बराबर हो गया 5600, और यहाँ से आपको निकालना है 5, क्योंकि 5 क्या है क्रय मूल्य, तो 5600/7 × 5, 7 2 8 56, 800,
और यहाँ से 8 गुना 5 करेंगे तो 40, यहाँ से दोस्तों कितना आ गया आंसर, 4000। और 4000 क्या होगा इस क्वेश्चन का क्रम? देखो मैंने 10 सेकंड में सॉल्व करके दिखाया, आप भी कर सकते हो। इस तरीके को यूज करो, पहले दो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, एक दो बार रिपीट करो, क्वेश्चन को खुद से लगाओ। जब तक आप दोस्तों खुद हाथ से क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन को मैथमेटिक्स मानती है प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की उतनी अच्छी तरीके से आप क्वेश्चंस कर पाओगे। मैं बोलता हूँ आप डेली के कम से कम 30-40 क्वेश्चन डेली के अभी से लगाना कोशिश करना शुरू कर दो। डेली क्वेश्चंस लगाइए 30-40 क्वेश्चन, आपके 100% आपके मैथमेटिक्स समझ में अपने आप आने लग जाएगी, आपको क्वेश्चंस ऑटोमेटिक होने लग जाएंगे। किस तरीके से हम कंसेप्ट यूज करते हैं आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में और क्या लेवल बन सकता है, किस तरीके के और क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। मैं देखो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल चेंज करता हूँ और किस तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। आप देखो एक घड़ी को 720 रुपये में बेचने पर, एक घड़ी को 720 रुपये में जब बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, तो उसे कितने में बेचा जाए, उसे अब कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। इस सवाल को ध्यान से समझेंगे, मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा बिल्कुल आसानी से, और फिर बताऊंगा कंसेप्ट आया कैसे। बेसिक से ये कंसेप्ट आ रहा है बिल्कुल, देखेंगे इसको 100 मान के करेंगे। दोस्तों मैं मान लेता हूँ, माना क्रय मूल्य, मैं क्रय मूल्य कितना मान लेता हूँ दोस्तों, यानी कि सीपी कितना मान लेता हूँ 100, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी मान लेता हूँ 100। अब देखो एक घड़ी को 720 में बेचा, इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, और उसे क्या हुआ 10% की हानि हुई। मैंने कहा जब क्रय मूल्य कितना है 100, 10% की हानि हुई, यानी कि उसका एसपी होगा, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा जब हानि हुई है तो 90, यानी कि 10% की हानि हुई। 100 का 10% कितना होगा 210, 10 में से 10 गया यानी कि 90, यानी कि उसने 100 में खरीदा और 90 में बेचा होगा, ये तो उसका क्रय मूल्य हो गया, ये क्या हो गया विक्रय मूल्य। आपको आपको पता लग गया होगा कितना हो गया दोस्तों 90, 90 क्या हो गया इसका विक्रय मूल्य। अब देखो कि अब उसे कितने में बेचना है कि 20% का लाभ हो, उसने वस्तु 100 में खरीदी, अब उसे 20% का लाभ चाहिए, मतलब वो 90 में नहीं बेचना उस वस्तु को, उससे उसने उससे वापस ले लिया और उसने कहा मैं तो उस पर 20% का लाभ कमाऊंगा। अब 100 का 20% कितना होगा दोस्तों 20, यानी कि 20% लाभ कमाने के लिए उसे विक्रय मूल्य कितना करना पड़ेगा 120 रुपये। ये बात समझ में आ रही होगी दोस्तों आपको, आराम से समझ में आ रही होगी। अब पहले उसका एसपी कितना था 90 रुपये, अब उसका एसपी यानी उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 120 रुपये। ठीक है, यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि उसने उस घड़ी को 720 रुपये में बेचा तो 10% की हानि हुई, यानी कि हम तो यहाँ उसको 90 में बेच रहे हैं, 10% की हानि हो रही है, तो हम उसे कितने में बेच रहे हैं दोस्तों 90 में, पर क्वेश्चन कितने में बेच रहा है 720 रुपये में। इसका मतलब 90 किसका बराबर हो गया 720 के ऊपर, और हमें 20% लाभ लेने के लिए, 20% लाभ लेने के हमें कितने में बेचा 120 में, तो क्वेश्चन के हिसाब से कितने में बेचेंगे। जब दोस्तों 90 720 के बराबर है, हमें निकालना 120 है, तो आराम से निकाल सकते हैं 720/90, एक की वैल्यू अगर 120 की वैल्यू निकालने के लिए 120 से गुना कर देंगे, 0 से 0 9 से 72 8 बार गया और 12 से 8 96, कितना हो गया दोस्तों 960 रुपये, यही क्या होगा उसका विक्रय मूल्य होगा। अगर उसको 20% का लाभ चाहिए तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा 960 रुपये में। ठीक है दोस्तों, क्लास समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1320 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, 3% लाभ कमाने के लिए उसे कितने बेचना चाहिए, उसे 10% का लाभ अब बिल्कुल नहीं चाहिए, 3% का लाभ चाहिए। उसी हिसाब से करेंगे, माना मैं क्रय मूल्य कितना मान लेता हूँ, क्रय मूल्य यहाँ पर 100 मान लेता हूँ, माना कितनी हो गई सीपी कितनी हो गई 100, अब उसे 10% का लाभ हो रहा है, 100 पर 10% का लाभ, यानी उसको कितने में बेचा होगा विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी कितना होगा दोस्तों 110 रुपये। अब 100 में खरीदेगा और 110 में बेचेगा तो ही 10% का लाभ होगा, या फिर 100 का 10% निकाल लेते हैं कितना होता है 10, 100 की वस्तु पर 10 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा 110 रुपये में। अब बोल रहा है कि उसे सिर्फ 3% का लाभ चाहिए, 100 पर 3% का लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 103। अब देखो क्वेश्चन में जब 10% का लाभ हो रहा है तो उसका विक्रय मूल्य कितना दे रखा है दोस्तों 1320, हमें निकालना क्या है 103, यानी कि 110 किसके बराबर हो गया है 1320 के, और हमें यहाँ से 103 निकालने के लिए क्या करेंगे 1320 × 110 × 103, 0 से 0 कैंसिल, 11 1 जब और 2, ये 12 बार कट गया और 12 से ये कट गया 12 36 और 1200, 1236 दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। उससे जब 3% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने बेचना पड़ेगा दोस्तों 1236 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। बिल्कुल आसानी से एक बार फिर बता रहा हूँ कि क्रय मूल्य क्या मान लेना 100 मान लेना, क्रय मूल्य 100 मान लेंगे तो विक्रय मूल्य 10% लाभ कमाने के लिए कितना हो जाएगा 110, अब उसे 110 का लाभ नहीं चाहिए, मतलब 10% का लाभ नहीं चाहिए, तो विक्रय मूल्य कितना करना पड़े कि 3% का लाभ हो जाए, कितना करें 103, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 103, तो 103
में उसने बेचा, 100 में खरीदा, तो कितने का लाभ हो गया? 3 रुपए का। और 3 रुपए का 100 पर ला, यानी कि कितना हो गया दोस्तों? 3% का लाभ। अब देखो यहाँ 110 विक्रय मूल्य है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 1320। 110 1320 के बराबर हो गया, हमें 103 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि 3% का लाभ चाहिए। इसको यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा? 1236 इसका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों क्लास समझ में आ रही होगी आपको। नहीं आ रही है तो और भी अच्छी बात है, एक बार इसको दोबारा देख लें और बढ़ते हैं इसमें किस तरीके का, और डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है किस तरीके का, और इस टाइप में क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 8% की हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 105 रुपये अधिक में बेचा जाता है, यदि उसको 105 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो 7% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमें सिर्फ 105 रुपये दे रखा है। देखो इस तरीके के सवालों को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसानी से उसी 100 से। हमें क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है। माना क्रय मूल्य, मैं क्रय मूल्य को ही मान लेता हूँ। माना क्रय मूल्य दोस्तों कितना? 100। अब क्या किया देखो, किसी वस्तु को 8% की हानि पर बेचा, अब क्रय मूल्य 100 है, इसको 8% की हानि पर बेच दिया। 100 का 8% कितना होता है दोस्तों? 8। हानि पर बेचा है यानी कि उसको कितने में बेचा होगा? उसका एसपी कितना होगा या उसका उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 92, यानी उसे उसे 92 रुपये में बेचा होगा। देखो यहाँ से क्रय मूल्य 100 है, उसको 8% हानि पर बेचा, 100 का 8% कितना होता है? 8, यानी कि उसको कितने में बेचा होगा? 92 रुपये में बेचा होगा। 100 में आपने खरीदी और 92 बेच दी, तो कितने की हानि हुई? 8 रुपये की आपको हानि हुई, 8 रुपये का आपको घाटा हो गया। यहां तक क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, यहां तक आपने सॉल्व कर दिया, बिल्कुल ठीक है। अब उसे 105 रुपये अधिक में बेचा, अब विक्रय मूल्य को, मतलब विक्रय मूल्य को बढ़ा रहे हैं 105 रुपये, 105 रुपये में अधिक में बेचा, हमें पता नहीं कितने में बेचा, क्वेश्चन के हिसाब से बेचा, तो उसे क्या हुआ? 7% का लाभ हो गया। अब देखो यहाँ पे 100 पर 7% लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब 100 का 7% कितना होता है? 7, यानी अब उसे 107 में बेचना पड़ेगा। 7% लाभ करने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा दोस्तों? 107 रुपये में बेचना पड़ेगा। अब देखो हम क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या हो गया दोस्तों? विक्रय मूल्य। अब देखो 92 रुपये में बेच रहा था तो उसको 8% की हानि हो रही थी, 107 रुपये में बेचा यानी कि उसको 7% का लाभ होगा। अब देखो यहाँ इन दोनों का अंतर कितना है, यानी कितने अधिक में बेचा उसने? हमारे क्वेश्चन में जब विक्रय मूल्य हमने 100 माना था तो कितने अधिक में बेचा? 15 रुपये अधिक में बेचा था, बस 15 रुपये में अधिक बेचा था। और क्वेश्चन के हिसाब से कितने रुपये अधिक में बेचा? 105 रुपये में। समझ में आ रही है ना आपको बात? हमारे हिसाब से जब हमने क्रय मूल्य 100 माना तो हानि हो रही थी तो 92 रुपये में बेच रहा था, और लाभ हुआ था 107 रुपये में बेच रहा था। जब उसको हानि से लाभ में बदलना था तो वो कितने रुपए अधिक में बेचा? क्वेश्चन हमारे हिसाब से उसने 15 रुपये में अधिक में बेचा, क्योंकि 92 में 15 जोड़ेंगे तो 107 आ रहा है, पर ये बोल रहा है उसने 105 रुपए अधिक में बेचा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 105 रुपए अधिक में बेचा, यानी 15 किसके बराबर हो गया? 105 के। अब देखो यहां से 15 किसके बराबर हो गया दोस्तों? 105 के। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 100 की, क्योंकि क्रय मूल्य क्या है? 100। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें क्या निकालेंगे? 105/15 गुना 100 करेंगे। 15 से ये कितनी बार कट गया? 7 बार, और आंसर कितना आ गया दोस्तों? 700। यही क्या होगा आपका क्रय मूल्य, और क्वेश्चन के हिसाब से तो उसका क्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों? 700 रुपये, और यही आपका क्या होगा? आंसर। इस तरीके से इस मेथड को फॉलो करो, आपके 100% आंसर आ जाएंगे। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, किसी वस्तु को 8% हानि पर बेचा जाता है, यानी क्रय मूल्य 100 हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 92। क्रय मूल्य मैंने 100 मान लिया, 8% हानि पर बेचना है तो उसने कितने में बेचा होगा? 92 रुपये में। उसको 105 रुपये अधिक में बेचा था तो 7% का लाभ होता है। हमारा क्रय मूल्य हमने 100 मान रखा है, 7% लाभ करने के लिए 107 रुपये से क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा, तो उसने कितने में बेचा? 107 रुपये में। हमारे हिसाब से उसने कितने रुपये अधिक में बेचा? 15 रुपये अधिक में बेचा, पर क्वेश्चन बोल रहा है कि उसे 105 रुपये अधिक में बेचा गया, तो 15 किसके बराबर आ गया? 105 के। यहाँ से हमने 100 की वैल्यू निकाली जो कि हमारा क्या था? क्रय मूल्य। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों क्लास समझ में आई होगी, तो सभी लोग लाइक कर देंगे, और जिनको समझ में नहीं आई है उन दोस्तों से उन भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि एक बार वीडियो को जरूर देखें, और हाँ इन क्वेश्चंस को आप नोट करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, हर क्वेश्चन हर टाइप को बता रहा हूं, टाइप वाइज मेरी तरह नोट्स बनाइए, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, और जो मैंने क्वेश्चंस कराए उनको आप इसी तरीके से पैटर्न में लिखते जाइए। और हाँ, इससे अगला वाला पैटर्न बिल्कुल मैं 10 सेकंड में करा, 20 सेकंड में कराने वाला हूँ, ये बिल्कुल रामायण बहुत कम लिखेंगे आप, और आप इसी तरीके से इस टाइप के 8-10 क्वेश्चन लगा लोगे, आप भी मेरी तरह सवाल करने लग जाओगे। मैं बिल्कुल आसानी से बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमने क्रय मूल्य को 100 मान के सवाल कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, और हाँ कल हमारी टाइप 3 क्लास आएगी। आप चाहते हो कि पूरी 1 आवर की क्लास आए, तो आप क्या करोगे? जितना हो सके उतनी लाइक करोगे वीडियो को, शेयर भी करोगे, और दोस्तों को बताओगे भी कि यहाँ इस तरीके की क्लास चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपके होमवर्क में है, किसी वस्तु को 4% की हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 360 रुपये अधिक में बेचा जाता तो कितना होता? 4% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। जिन लोगों ने वीडियो देखी है
जिन लोगों को क्लास समझ में आई है, इस सवाल को सॉल्व करके 100% आप जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो तो कमेंट कर दीजिए इसका आंसर, बिल्कुल टेंशन ना ले। पूरा कोर्स कराने वाला हूँ इसी तरीके से, टाइप बाय टाइप आगे बढ़ते रहेंगे। और क्लास समझ में आ रही है तो बार बार ना बोलना पड़े, सभी लोग लाइक करके जाएँ, शेयर करके जाएँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।